आपने गाड़ी सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल तो बहुत सारे देखे होंगे, बट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि एक जॉइंट वेंचर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और होंडा के बीच में, जिसमें आपको फोर व्हीलर, टू व्हीलर, HMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है और इवन यहाँ से आप लाइसेंस वगैरह का काम भी करवा सकते हो और गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कोई भी व्हीकल है, किस तरह का व्हीकल है वो भी सीख सकते हो। आओ मैं इसका आपको टूर करवाती हूँ। अगस्त 2022 में इसकी ओपनिंग हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड होंडा का जो जॉइंट वेंचर है, जिस पे गवर्नमेंट का योगदान है, इसमें आपको जो पूरी लैंड एंड 9.25 एकड़ की वो प्रोवाइड करी थी होंडा को, और देन होंडा ने 34 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ये बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन ट्रैक्स को बनाया था, पूरा मैन्युफैक्चर किया था। और उसके अलावा जो स्टाफ है वो भी 50-50 है, 50% होंडा के और जो 50% है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के फ़ायदे और ज़रूरत बताने से पहले मैं आपको इस इंस्टीट्यूट का छोटा सा टूर करवा देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप इस बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंटर करते सबसे पहले रिसेप्शन आती है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप एनरोलमेंट करते हो ड्राइविंग सीखने के लिए, जब आते हो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। रिसेप्शन के लेफ्ट साइड पे जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो स्टाफ है वो बैठता है, यानी कि गवर्नमेंट का स्टाफ बैठता है। एंड राइट साइड पे जो मेन चीज़ आती है इस इंस्टीट्यूट की, यानी कि क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम। आओ पहले मैं आपको दिखा के बताती हूँ कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिसेप्शन के राइट साइड पे आपको इधर मिल जाएगा इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। देन जो स्टाफ है होंडा का कह सकते हो, वो उनका ऑफिस पीछे दिए गए। अब मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, क्लासरूम किस तरह के हैं, क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। पे 5 क्लासरूम्स हैं, मतलब 50-100 कैपेसिटी का क्लासरूम आपको मिलेगा, जहाँ पे सारी पहले तो थ्योरी क्लासेस, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। थ्योरी क्लासेस के बाद अब जिस व्हीकल को आपने चलाना है उसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, मतलब किस तरह के मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, वो भी यहाँ पे शोकेस किए गए, जो सारे ही वर्किंग हैं, जैसे कि ये एक्सल हो गया, इवन इंजन है आप सामने देखोगे वो भी वर्किंग किस तरह से वर्क करता है एक्चुअल में। मतलब जिस चीज़ को आप चला रहे हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, किस तरह से चलती है, वो भी आपको दिखाया जाता है। और इवन जो एयर बैग कैसे खुलते हैं जब स्ट्राइक होती है, कोलिजन होता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। मतलब गाड़ी हो गई, बाइक हो गया या स्कूटी होगी, किस तरह की उसकी पार्ट्स की परफॉर्मेंस होती है, वो सब कुछ आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। मैंने यहाँ पे इस तरह का इंस्टीट्यूट, इसीलिए इसको ड्राइविंग स्कूल है, इसलिए इसको इंस्टीट्यूट कहा जाता है, बिकॉज A to Z आपको सब कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप आता है सिम्युलेटर। अब सीधा तो आपको गाड़ी दे नहीं देंगे, है ना, मतलब जिसने गाड़ी नहीं चलाई है, पहले थोड़ा सा आपकी इंटरेक्शन करवाते हैं, जैसे एक्सलेटर, ब्रेक, क्लच किस तरह से परफॉर्म करता है, काइंड ऑफ एक कार चलाने की ही तरह है। बट ऑब्वियसली इसमें अब खतरा नहीं होता। तो देखो, आपने फोर व्हीलर का तो देखा होगा, देन HMV वैसे सिक्स व्हीलर, जैसे कि बड़े कोई ट्रक, बस चलाना सीखना चाहता है उसको इस तरह का सिम्युलेटर। एंड ये रहा, देख रहे हो, पूरा का पूरा ट्रक ही है और पूरी स्क्रीन आपको दी स्क्रीन भी प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से आप रियल वर्ल्ड में आप चलाओगे, किस तरह की आपको सिचुएशंस मिलेंगी, वो भी आपको एक्सपीरियंस कराई जाती हैं इसके थ्रू। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि आपको टू व्हीलर का भी सिमुलेटर प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी और ख़ास बात बता देती हूँ कि जब आप एक बाइक सीखते हो, आपको इस एक तो स्कूटी की तरह भी ये परफॉर्म करता है सिमुलेटर, देन बाइक, गियर बाइक होती है, फोर गियर, फाइव गियर, किस तरह से आप सीख सकते हो जो भी आपने बाइक सीखनी है। और इवन आप इसमें क्या क्या होता है कि आपने सिटी में चलानी है, हिल्स में चलानी है, रात में चलानी है, फॉग में चलानी है, हर तरह की आपको सिचुएशन दी जाती है जिस पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस सिमुलेटर के थ्रू। ये तो हो गया बाइक का।
उसके अलावा ये भी मतलब काइंड ऑफ टेस्ट हो जाता है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल रात को चल रहे हो, लाइट आपके बिल्कुल आंखों पर पड़ जाती है, तो आपको यहाँ पे टेस्ट दिया जाता है, यहाँ पे लाइट शो की जाती है, आपको बटन प्रेस करना होता है कि आप कितने एक्टिव हो, मतलब उस टाइम पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिएक्शन टाइम आपका, ताकि अगर आप यहाँ पे सीखोगे कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, ये टेस्ट भी ये करवाया जाता है। मतलब हर तरीके का टेस्ट जो कि आपको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब आपने ट्रैक पे गाड़ी चलानी है, लाइसेंस बनाने से पहले टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, थोड़ा सा आपको एनालाइज कराया जाता है किस तरह से आपने ट्रैक पे गाड़ी चलानी है और किस तरह से चलेगी एक्चुअल में, जिस वजह से आपको स्क्रीन, जैसे कि ये फोर व्हीलर के लिए है और इस तरफ लेफ्ट साइड पर आपको टू व्हीलर के लिए है, और अदरवाइज आपने स्क्रीन पर देख भी लिया, उसके बाद इन विंडोज़ के थ्रू भी आप लाइव टेस्ट भी देख सकते हो कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है। मतलब एक तरह से ना एनालाइज आप कर सकते हो, पहले ही एक आइडिया आपके मन में आ जाएगा, सो दैट जब आप टेस्ट दोगे तो आपको मतलब ईजी हो जाता है उससे पहले। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये ट्रैक जिसके लिए आप आए हो लाइसेंस बनाने के लिए, आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा, ये है ADTT यानी कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, यानी कि मतलब ऑटोमेटिकली सारा ये जैसे कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड होता है, 39 कैमरास लगे हुए हैं हाई क्वालिटी के, जिससे ये आप जो भी परफॉर्म करते हो यहाँ पे, जो भी टेस्ट देते हो, सारा ही रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा प्रॉपर RFID लगे हुए हैं यहाँ पे, और जिस तरह की भी परफॉर्मेंस रहती है, अंदर कंप्यूटर है, वहाँ पे सारी रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अगर पास हो फेल हो, मतलब बिल्कुल ही ना मतलब क्लियर, एक कह सकते हो एक एक्यूरेसी वाला आपका टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये टेस्ट ट्रैक है। और अब ये तो मैंने बता दिया, ये है फोर व्हीलर के लिए टेस्ट ट्रैक। अगर आप इसी तरह से देखोगे, दूसरी साइड पे आपको प्रोवाइड किया जाता है टू व्हीलर के लिए भी प्रॉपर टेस्ट ट्रैक दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे टू व्हीलर भी का भी सिखाई जाती है, ड्राइविंग सिखाई जाती है, राइडिंग सिखाई जाती है, और फोर व्हीलर के लिए भी। और ये सिर्फ जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग सीखने आते हैं उनके लिए नहीं है, जिसने सीधा टेस्ट देना है यहाँ पे आके, वो भी इस ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। पहले तो मैं बता दूँ, इस इंस्टीट्यूट में जब आप सीखने आते हो तो आपको क्या क्या फ़ीस पे करनी पड़ती है। आप फीस सुन के ना ऑनेस्टली बता रही हूँ हैरान हो जाओगे, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे करनी पड़ी है। अगर आपने टू व्हीलर सीखना है तो आपको 1180 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसपे आपको 21 डेज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आप फोर व्हीलर सीखना चाहते हो तो वहाँ तब आपको पे करने पड़ेंगे 4130 रुपीज़, इसमें भी आपको 21 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपने HMV यानी कि हैवी व्हीकल, जैसे कि पीछे लोग बस सीख रहे हैं, ट्रक पे करनी पड़ेगी 8850 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और 30 डेज का, जो अगर आप हैवी व्हीकल सीखते हो आपको 30 डेज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है। देन अगर आपने इस ट्रैक को यूज़ करना है तो क्या होता है, एक तो आप अपनी गाड़ी ला के अपना ड्राइविंग टेस्ट देते हो, या फिर आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ से ये भी प्रोवाइड करते हैं गाड़ी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप टेस्ट ये ट्रैक यूज़ करते हो तो आपको 100+ GST यानी कि 118 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाओ, अप्रूव करो, और आप अपना टेस्ट ड्राइव दे सकते हो। अगर आप पास हो गए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, अगर फेल हो गए तो आप 7 डेज़ बाद फिर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह आप 3 बार कर सकते हो, अगर 3 बार भी फेल हो गए तो आप आफ्टर 2 मंथ्स ये प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि 3 बार में तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट, और अगर आपके पास गाड़ी या फिर बाइक स्कूटी नहीं है तो अगर आपने गाड़ी का ड्राइव टेस्ट देना है तो आपको 295 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आपने बाइक ड्राइविंग
टेस्ट दे रहे हैं, तो अब 236 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल फीस है। इतने में तो आप मतलब मेरे को लगता है इससे ज़्यादा ही पैसे खर्च देते हो दिन में खाने पीने पे। तो मैं एक तो देखो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी के बाद फिर कितना शौक होगी कि फीस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ये जो सारी फैसिलिटीज़ है ना आपके लिए ही है, जिसमें आप प्रॉपर आप सीख सकते हो गाड़ी, रूल्स फॉलो करना, बिकॉज इसकी वजह से जब आप ये चीज़ें सीखोगे ना, एक तो नहीं कह रही हूँ कि आप यहीं से सीखो, वैसे तो अगर यहाँ से सीखोगे तो बेस्ट रहेगा, बट अगर आप ड्राइविंग ड्राइव करना चाहते हो गाड़ी, वो गाड़ी ट्रक टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो, तो गाड़ी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। हम गाड़ी चला तो लेते हैं बट क्या हमें रूल्स का पता है, रूल्स फॉलो कैसे करने हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी क्लासेस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे ना आप क्या 21 दिन है, मतलब अगर 21 दिन भी आपने ज़िंदगी के दे दिए तो आप ये ना कितनी जाने बचा सकते हो, आपने पूरी लाइफ टाइम के लिए गाड़ी सीखनी है, तो आपको जो रूल्स है वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।